आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, सारा सीख लिया कि क्या पार्टनर्स होते हैं, क्या पार्टनरशिप डीड होती है, क्या उनकी फीचर्स होती है। आज हम सीखेंगे कि क्या एक फर्म में, जो एक फर्म चल रही है ऑलरेडी, उसमें कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं, मैं स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए न्यू पार्टनर शैल बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टीज। अब देखो बच्चों क्या लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नया पार्टनर एडमिट हो सकता है विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टीज। सपोज करो हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी। बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, हमारे पास कोई नया व्यक्ति है डी। अब ये फर्म चल रही है, अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, तो डी सोचता है कि क्यों ना मैं भी इनका पार्टनर बन जाऊं, मैं भी प्रॉफिट्स में हिस्सा कमाऊं, मुझे भी अच्छा लाभ होगा। तो क्या ये जो पर्सन है डी, ये पार्टनरशिप फर्म में आ जाएगा? वो सी से बात करता है, सी कहता है कि मैं तो एग्री हूँ तुझे पार्टनर बनाने के लिए। क्या अकेले सी के कह देने पर डी फर्म में पार्टनर बन जाएगा? नहीं। कब तक नहीं? जब तक सभी साझेदार अपनी सहमति ना दे दें। जब तक सभी साझेदार अपनी सहमति नहीं देते, तब तक किसी भी फर्म में किसी भी नए व्यक्ति को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। ये किस में लिखा गया है? सेक्शन 31 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति तब तक साझेदार नहीं बन सकता जब तक फर्म के सभी साझेदार सहमत ना हो जाएं। अगर एक ने भी बोल दिया कि मैं इसको साझेदार नहीं बनाना चाहता या पार्टनर नहीं बनाना चाहता, तो इन दोनों की जो सहमति होगी वो भी क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि ए एग्री नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो हमारा रूल कहता है कि जब भी हमने किसी नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाना है, तो उसके लिए जो हमारे पुराने साझेदार हैं सभी की सहमति जरूरी होती है। अगर एक भी पार्टनर एग्री ना हो तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। और अब हमें किन कारणों से बिजनेस में, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर की एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है? अब दे लिखो, न्यू पार्टनर नीड इनटू द बिजनेस ड्यू टू फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट जो रीजन है वो हमारे पास वो क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। देखो बच्चों,
ये हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है बच्चों। इसमें दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए और बी, ये हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है। अब इन दोनों की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, वो अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, अपनी पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं उसका साइज, तो उसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है। अब पैसा इनके पास नहीं है, तब ये सोचते हैं कि क्यों ना हम किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी फर्म में शामिल कर ले। ये दोनों सोच रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अगर हमने बिजनेस बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं कि हम तीसरे पर्सन को अपने बिजनेस में शामिल कर लेते हैं, तो हमारी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो हमें पूंजी चाहिए, वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो नया व्यक्ति आएगा वो बिजनेस में पैसा लगाएगा। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि हमें किसी भी नए व्यक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ती है पार्टनरशिप में, वो है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। हमें पैसे की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। देखो बच्चों, अब ये दो पार्टनर्स काम कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया कि अभी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। वो सोचते हैं आपस में कि क्यों ना उस व्यक्ति को पार्टनरशिप में शामिल कर लिया जाए, फर्म में शामिल कर लिया जाए जिसके पास कोई डिग्री हो, जो इस काम में पहले से ही क्या हो, एक्सपीरियंस हो, जिसको इस काम का अनुभव हो, तो हम उसे शामिल कर लेते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है वो और भी अच्छे से चलेगा। हम उसकी जो योग्यता है, कॉम्पिटेंसी है, उसका हम क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें पार्टनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, एक्सपीरियंस पर्सन है, उसका बेनिफिट लेने के लिए। थर्ड नीड क्या है फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, रेपुटेशन बाय टेकिंग ये रेप्यूटेड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप। देखो बच्चों, अब ये जो पर्सन है, इसका जो हमारे शहर में बहुत नाम है, इसका नाम चलता है, तो ए और बी सोच रहे हैं कि ये एक सी पर्सन है, इसका शहर में बहुत नाम चलता है, अगर ये हमारे साथ पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड हो जाए तो हमारी जो दुकान है वो पहले से भी क्या होगी, ज़्यादा चलेगी, हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो इसकी रेपुटेशन है उसका क्या लेना चाहते हैं, हम लोग बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो जो रेपुटेशन पर्सन है, कोई भी रेप्यूटेड पर्सन है, उसकी गुडविल का बेनिफिट उठाने के लिए या उसकी रेपुटेशन का बेनिफिट उठाने के लिए क्या करते हैं, हम किसी भी पार्टनर को अपने बिजनेस में शामिल कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू एनकरेज
एक कैपेबल एम्प्लॉय। बाय टेकिंग पार्टनरशिप। अब देखो ये हमारी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है बच्चों, और ये इसके दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और उनके यहाँ पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। एम्प्लॉय कौन है? डी। वो हमारे यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा है और उसका जो काम है वो बहुत ही अच्छा है, और उसके पास जो कैपिटल है, पैसा है, वो भी है, और उसकी शहर में रेपुटेशन भी है, और वो हमारा अच्छा और वफादार एम्प्लॉय है। तो उस टाइम में ए और बी क्या सोचते हैं कि हमें पार्टनर की तो ज़रूरत है ही, तो उस टाइम में हम क्या करें, जो हमारा एम्प्लॉय है उसको ही हम क्या करते हैं, अपना पार्टनर बना लेते हैं, क्योंकि इसको तो हमारी सारी दुकान चलाने का हिसाब किताब भी है और सारा बिजनेस वो पहले से ही संभाल रहा है। तो इस केस में क्या है बच्चों, किसी भी एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए हम उसे पार्टनरशिप में एडमिट कर लेते हैं। तो ये फोर पॉइंट्स हैं जिस वजह से हमें नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करना पड़ता है। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, हमें पूंजी की ज़रूरत होती है। सेकंड, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन, वो व्यक्ति चाहिए हमें जो काम में माहिर हो। थर्ड, फॉर द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल रेपुटेशन बाय टेकिंग रेप्यूटेड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप, हमने अपनी जो दुकान है, जो अपना व्यवसाय है, बिजनेस है, उसकी जो गुडविल है वो इंक्रीज करनी है। वो हम कैसे इंक्रीज करना चाह रहे हैं कि जो नया पार्टनर है उस पार्टनर को एडमिट करें जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, जिसका मार्केट में नाम हो। और फोर्थ केस वो है, हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको इनक्रेज करना चाहते हैं। जो हमारा एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छा काम करता है, तो हम ये सोच लेते हैं कि उसी को क्यों ना पार्टनर बनाकर अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। तो इसके बाद जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाता है तो हमें फर्म को क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो अभी हम सीखेंगे इसके बाद में। अब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो नए पार्टनर के फर्म में आने से क्या क्या चेंजेस होंगे हमारी फर्म में, हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो हम अभी यहाँ सीखेंगे। फर्स्ट चेंज क्या होगा हमारी पार्टनरशिप फर्म में, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नया पार्टनर एडमिट हो गया, नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो गया, अब वो कहेगा मुझे भी प्रॉफिट्स मिलेंगे, अब उसको भी हमने प्रॉफिट्स देने हैं। जब देने हैं तो जो पुराने पार्टनर्स होंगे उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेकेंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो गुडविल में उसका क्या रोल होगा और वो कितनी गुडविल लेकर आएगा, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाएगा तो उस टाइम हो सकता है हमारे पास कुछ जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, उनकी वैल्यू उतनी ना हो, तो वो भी हमें क्या करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी, उनका दोबारा से वैल्यूएशन करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग
ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अकुमुलेटेड जब नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर के आने के से पहले जो भी हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं, जो अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स फर्म ने कमा रखे हैं, उनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नया पार्टनर आ गया तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से उनकी जो कैपिटल्स होंगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी एडजस्टमेंट सीखेंगे। टोटल इस चैप्टर में हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब पार्टनर फर्म में एडमिट हो गया आ गया तो उसके फॉर्म में आने के बाद उसे क्या क्या राइट्स मिलेंगे, फॉर्म में उसे क्या क्या राइट्स होंगे पार्टनरशिप फॉर्म में। उसके पास दो राइट्स होते हैं, एक तो राइट होता है हमारे पास राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। जो अब नया पार्टनर आया वो क्या ले सकता है, फ्यूचर में लाभों में से हिस्सा। अब जो भी प्रॉफिट्स फर्म ने कमाए हैं उसके आने से पहले उसमें उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। किस में मिलेगा, उसके आने के बाद जो फर्म फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें उसको हिस्सा लेने का अधिकार होता है। सेकंड है हमारे पास राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। जो पार्टनर होता है वो फर्म की जो एसेट्स हैं उसमें से भी हिस्सा ले सकता है। कब ले सकता है, एडमिशन के बाद फ्यूचर में। तो इनकमिंग पार्टनर को दो राइट्स होते हैं, एक तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें से उसको शेयर मिलेगा, सेकेंड जो फर्म की जो एसेट्स होंगी उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। अब हमने कर लिया कि नया जो पार्टनर आता है उसकी हमें क्या ज़रूरत होती है, उसके क्या क्या राइट्स हैं, और उसके आने के बाद हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी वो। तो हमारी जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है नए पार्टनर के आने के बाद वो है, जो पहली एडजस्टमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, पार्टनर्स की चेंज होगी। तो उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है हम आगे इस वीडियो में सीखेंगे। अब हम सीखते हैं जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो वहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन Only the ratio of new partner is given। क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया गया है जो नया पार्टनर आएगा वो कितना हिस्सा उसको मिलेगा, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया। तो उस केस में आपने क्या करना है, जब आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो कि जो नया पार्टनर आएगा उसका जो हिस्सा होगा वो कौन पे करेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो हम सीखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है ए बी और सी की वो हमारे पास दे रखी है 3:2:1। उसके बाद डी का जो शेयर है वो कितना है हमारे पास 1/6। हमने 1/6 हिस्से के लिए डी को एडमिट किया और उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। अब उन्होंने यहाँ पर हमें ये नहीं कहा कि जो डी आएगा, डी के आने से जो उसको ये 1/6 हिस्सा मिलेगा वो कौन देगा, ए देगा
बी रहेगा या सी रहेगा। तो उस केस में बच्चों आपने क्या करना होता है, जब आपके पास क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि उसके आने से जो उसका जो शेयर होगा वो कौन पे करेगा, तो हमेशा ही याद रखना है तो उसका हिस्सा जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो कौन सी रेशो में पे करते हैं, उनकी ओल्ड रेशो में। लेट कर लो, हमारे जो टोटल शेयर है हमें पता है फर्म का वो कितना होता है, सारा हिस्सा एक होता है। अब हमने उसको कितना देना है नए वाले को, डी का शेयर जो आया है नया बंदा फर्म में उसका हिस्सा है 1/6। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट एक थे, उसमें से 1/6 हिस्सा हमने डी को दे दिया, तो उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने बचेंगे, यानी रिमेनिंग हिस्सा कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर एक कुल हिस्सा हमारा जितना है उसमें से जो डी का शेयर है वो हमने माइनस कर दिया, बाकी कितना बच गया हमारे पास 5/6। तो अब ये नहीं पता ये 5/6 का अब क्या करेंगे, तो हमने क्या करना होता है हमेशा जो हिस्सा बच जाए नए साझेदार को देने के बाद, इस हिस्से को पुराने साझेदारों के कौन से अनुपात में बांटा जाता है, पुराने अनुपात में। जब पार्टनरशिप डीड क्या हो, साइलेंट हो कि वो अपना हिस्सा है वो किससे लेगा। अब ये जो 5/6 हिस्सा है किसका है, ए का बी का और सी का। तो अब ए का जो न्यू शेयर होगा किसके आने के बाद, आफ्टर डी एडमिशन कितना होगा, उसका पहले कितना हिस्सा है 3, 2 और 5, 3, 2, 5 और 1, 6, ये इसका हिस्सा है 3/6। अब 5/6 जो बच गया ये तीनों आपस में बांटेंगे 3:2:1 में, तो 5/6 का हम क्या करेंगे 3/6, तो ये हो गया हमारे पास 15/36। सिमिलरली हमें किसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, बी का, किसके एडमिशन के बाद, डी के एडमिशन के बाद, बी न्यू शेयर आफ्टर डी एडमिशन। अब बी का जो है हिस्सा डी के एडमिशन के बाद, तो ये कितना होगा, 5/6 था टोटल, तो उसको सिर्फ कितना मिलना है 5/6 में से 2/6, तो 5/6 का हमने क्या कर दिया 2/6, यानी ये जो 5/6 हिस्सा बचा ये तीनों का है और तीनों की रेशो 3:2:1 है, तो हमने इस 5/6 को इन तीनों की रेशो में डिवाइड कर देना है, तो ये कितना हो गया 10/36। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सी का नया हिस्सा निकाल लेंगे, सी न्यू शेयर आफ्टर डी एडमिशन, तो कितना हो गया हमारे पास 5/6 का क्या करेंगे हम 1/6, तो यानी 5/36। उसके बाद अब तीनों के नए हिस्से आ गए डी के एडमिशन के बाद, तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलती है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस किस के बीच में निकलेगी, रेशो बिटवीन, अब हमारे पास कितने पार्टनर्स हो गए डी के एडमिशन के बाद, पहले 3 थे 4 हो गए, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो अब ए का हिस्सा है 15/36, बी का है 10/36 और सी का है 5/36, और जो डी आया है उसका हिस्सा कितना है यहाँ पर 1/6। तो अब हम क्या करेंगे 36 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 15, 10, 5 और यहाँ पे 6 6 6 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 15:10:5:6, ये क्या आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम करते हैं केस सेकंड, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है और वो अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से बराबर लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी इसे, आप मान लो दो पर्सन हो, आप दोनों के पास 40 रुपए हैं,
आप दोनों के पास 40 रुपए हैं। तो एक पर्सन और आ जाता है, जैसे घर में होता है, मम्मी ने आप दोनों को पैसे दे दिए 40 रुपए, ठीक है, दो भाई बहनों को। तीसरा भाई आ गया, मम्मी मम्मी आपने इन दोनों को पैसे दे दिए, मुझे तो दिए ही नहीं पॉकेट मनी के लिए पैसे आपने। तो मम्मी क्या बोलती है कि बेटा पैसे करो, इसको 10 रुपए दे दो, आप लोग आप दोनों इसको 10 रुपए दे दो। आप कहते हो अपने भाई को तू दे मैं नहीं दूंगा, और वो कहता है तू दे मैं नहीं दूंगा पैसे। तो मम्मी क्या कहती है कि आपने इसको 10 रुपए देने हैं, तो आप दोनों क्या करो बराबर बराबर दे दो। तो आप क्या करते हो, जितने पैसे आपने उनको देने हैं 10 रुपए, कितने जने हो आप देने वाले, कितने पर्सन हो, दो। तो आप क्या करते हो, जितने देने हैं उसको दो बराबर भागों में बांट लेते हो, फिर 10 का 1/2। तो जितने आपने देने हैं वो निकला है, जितने आपके भाई ने देने हैं वो निकला है। तो जितने रुपए आप फिर उसको दे देते हो उतने रुपए आपके पास से कम हो जाते हैं। मीन टू से कि जो हिस्सा हमने नए साझेदार को देना है, अगर क्वेश्चन में ये कहा है गया कि जो पुराने साझेदार होंगे वो इक्वल रेशो में देंगे, तो आपने क्या करना है, जितना हिस्सा उसको देना है उसका हम क्या करेंगे 1/2, 1/2। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। अगर तीन पार्टनर्स होंगे वो बराबर बराबर देंगे, तो फिर तीन है तो कितना हो जाएगा, फिर 1/3। राम और श्याम पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 7:5, यानी ओल्ड रेशो होगी, ओल्ड रेशो ऑफ राम एंड श्याम कितनी, 7:5। अब आया कौन है फर्म में, नया एडमिट हुआ है गोपी, कितने हिस्से के लिए, गोपी शेयर 1/6। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, विच ही एक बार इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, दोनों से वो बराबर बराबर लेगा अपना हिस्सा। अब उसका हिस्सा कितना है 1/6, तो वो राम से कितना लेगा, मीन्स गोपी शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम राम, राम से कितना लेगा, मैंने अभी आपको बताया जितना है जितने बंदे दे रहे हैं उसका क्या करेंगे, अगर दो बंदे दे रहे हैं तो 1/2, अगर तीन बंदे हैं देने वाले तो फिर कितना हो जाएगा, तीनों बराबर बराबर बांट लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, अगर चार हैं तो उसी तरह 1/4। तो गोपी शेयर जो वो राम से लेगा वो कितना लेगा, 1/12। अब गोपी का ही शेयर, अब वो उसने कितने किससे लेना है, हमने श्याम से, जितना राम से लिया उतना ही हमने श्याम से लेना है, 1/6 उसका टोटल हिस्सा है, उसमें से 1/2 अब कौन देगा, श्याम, यानी 1/12। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो जोड़ के 1/6 ही बन जाएगा। अब जो राम और श्याम है उनका पुराना हिस्सा कितना है, 7/5/12। ये उन दोनों का पुराना हिस्सा है। अब राम का न्यू शेयर कितना होगा, 7/12 उसके पास था, 1/12 उसने उसको गोपी को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, जितना उसने दे दिया वो उसके हिस्से में से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो 12, 7-1, 6/12। उसके बाद श्याम का न्यू शेयर कितना होगा, गोपी को देने के बाद उसका पुराना हिस्सा है 5/12, उसने कितना दे दिया, 1/12, जितना उसने पे कर दिया उसको, तो अब इसका नया हिस्सा कितना बचा उसके पास, 4/12। गोपी का तो वही 1/6 ही है हिस्सा, चाहे आप इन दोनों से जो उसको मिला है उसको जोड़ोगे 2/12 आएगा, तो वो काट के 1/6 ही बन जाएगा। अब हमने क्या करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस किस के बीच में निकालनी है, राम श्याम एंड गोपी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है हमने उनके बीच में, तो वो किससे निकलेगी, जो उनके न्यू शेयर आएंगे गोपी को हिस्सा देने के बाद।
तो कितने आ गए उसके हिस्से? राम का है 6/12, श्याम का है 4/12 और गोपी का तो 1/6 ही है। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम ले लिया, 6:4:6 2 12, तो ये कितना हो गया? 6:4:2। ये क्या आ गई उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गोपी को एडमिट करने के बाद। सिंपल में अगर आपको बताऊं तो क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि जो नया साझेदार होगा वो पुराने साझेदारों से बराबर हिस्सा लेगा, अगर तीन पार्टनर हैं तो उसके हिस्से को जितना उसका हिस्सा है नए साझेदार का उसको तीन भागों में बांट दो, अगर दो पार्टनर हैं तो उसके हिस्से को दो भागों में जिस जिससे वो ले रहा है। फिर जो पुराने साझेदार हैं उनके पास जितना हिस्सा है पहले उसमें से जितना उन्होंने दे दिया नए साझेदार को वो क्या करो? माइनस कर दो, इससे उनके नए हिस्से निकल आएंगे। फिर उन नए हिस्सों की क्या करो? रेशो निकाल दो। तो ये आ गई हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, जब नया पार्टनर आता है फॉर्म में और वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से लेगा, कितना लेगा वो क्लियरली है मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। मींस आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है जो नया पार्टनर आएगा वो पुराने साझेदारों से कितना कितना हिस्सा लेगा, वो आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है। तो फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। जो आपको मेंशन है कि वो इतना इतना हिस्सा इस साझेदार से लेगा, तो आपने क्या करना है, उस साझेदार के खाते से उतना उतना माइनस कर देना है। अब देखो एग्जाम्पल सेकेंड बी, डी को हमने एडमिट किया है और ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2:1 है। डी को हमने एडमिट किया कितने हिस्से के लिए एडमिट किया? 1/8 हिस्से के लिए। विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी, वो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि वो अपने हिस्से का सीधा ही दे रखा है, अपने हिस्से में से 1/16 वो बी से लेगा और 1/16 वो किससे लेगा? सी से। देखो बच्चों यहाँ पर डी को एडमिट किया गया है 1/8 शेयर के लिए और क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि वो 1/16 बी से लेगा, 1/16 सी से लेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है ए बी सी की रेशियो कितनी है, 3/6, 2/6 और 1/6, ये है उनकी ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी की, 3:2:1। अब जो डी है, डी का शेयर जो आया है नया पार्टनर उसका कितना है हिस्सा? 1/8। अब वो जो डी है वो ए से कुछ लेगा क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कह रखा है कि वो सिर्फ बी और सी से लेगा। डी शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम बी, बी से कितना ले रहा है? 1/16 और वो अपने हिस्से का सी से भी कितना ले रहा है? 1/16। अब सिर्फ बी और सी उसको दे रहे हैं, ए तो दे ही नहीं रहा। तो अब हम नए शेयर्स निकालते हैं पुराने पार्टनर्स के। अब ए का न्यू शेयर कितना आएगा, उसके पास पहले हिस्सा कितना है? 3/6, लेकिन उसने डी को कुछ भी नहीं दिया तो क्या माइनस करेंगे? 0। तो उसका नया शेयर उतने का उतना आ गया। उसके बाद जो बी है उसका न्यू शेयर कितना आएगा हमारे पास, उसका हिस्सा पुराना 2/6 है, उसने कितना दे दिया? 1/16। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, 48 8 6 48 16 माइनस 16 3 48, 13/48 किसका शेयर आ गया? बी का। इसी तरह हम सी का न्यू शेयर निकाल लेंगे और सी का न्यू शेयर कितना आएगा, उसका पुराना हिस्सा कितना है? 1/6 और उसने कितना दे दिया? 1/16। तो इसकी भी हम रेशो निकाल लेते हैं। तो ये रेशो आ गई हमारे पास, ये आ गया 8 6 48 16 3 48, तो ये बच गया उसके पास 5/48। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी रेशो निकाल लेंगे। ए का न्यू शेयर, अब ए बी सी और डी की न्यू रेशो,
ए का न्यू शेयर 3/6, बी का न्यू शेयर 13/48, सी का न्यू शेयर 5/48 और डी का न्यू शेयर कितना है अपना 1/8, 48 8 6 8 24, उसके बाद 13, फिर उसके 5, 8 6 48, यानी 24:13:5:6, ये क्या आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो बच्चों, यहाँ पर क्लियरली दे रखा था कि जो डी है वो अपना इतना हिस्सा बी से लेगा, इतना सी से लेगा, बस जिस जिसने जितना जितना दिया वो उसके हिस्से में से क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया, जिसने नहीं दिया उसके हिस्से में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ। उसके बाद उनके न्यू शेयर्स लेके हमने उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल ली। अब हम करते हैं जब फर्म में दो पार्टनर्स एडमिट हो जाएं, अब देखो अब हम कर रहे हैं नया टॉपिक जिसमें दो पार्टनर्स फर्म में एडमिट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक, तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। जो सुरेश और रमेश अवर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, अब सुरेश और रमेश की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट दीपक एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को दीपक को नया पार्टनर बनाया। ऑन 31 जुलाई 2018 करण वाज एडमिटेड न्यू पार्टनर, उसके बाद उन्होंने 31 जुलाई 2018 को करण को न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया, कितने हिस्से के लिए 1/6 हिस्से के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम सुरेश रमेश एंड दीपक, वो अपने हिस्से का तीनों से बराबर बराबर हिस्सा लेगा। अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है किस किस के बीच में, सुरेश और रमेश और दीपक और करण के बीच में, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो रेशो है सुरेश और रमेश की कितनी दे रखी है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो बिटवीन सुरेश एंड रमेश कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 5:3। अब हमने सबसे पहले किसको एडमिट किया, दीपक को, दीपक शेयर कितना हो गया हमारे पास 1/4, लेट कर लेते हैं टोटल शेयर हमारा कितना है, एक। अब दीपक को हमने 1/4 दे दिया, तो उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 - 1/4, यानी कितना बच गया 3/4। जो ये हिस्सा है 3/4 ये किस किस का बच गया, सुरेश और रमेश का, क्योंकि जब दीपक एडमिट हुआ तो उस टाइम सिर्फ दो ही पार्टनर्स हैं हमारे पास, इसका हिस्सा है 5/8 और इसका हिस्सा है 3/8। तो अब सुरेश का न्यू शेयर कितना आएगा, 1/4 देने के बाद ये 3/4 हिस्सा इन दोनों का है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि वो कितना कितना देंगे दीपक को, तो फिर उसको देने के बाद जो हिस्सा बचेगा वो दोनों आपस में अपनी पुरानी रेशो में बांट लेंगे, तो 5/8 का 3/4, 5 × 15 = 832। उसके बाद हमारे पास आया रमेश, रमेश का नया शेयर कितना होगा, 3/8 का 3/4, तो 9/32, और दीपक का तो है ही 1/4, तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आएगी, किसके इसके बीच में, सुरेश रमेश और दीपक के बीच में, मैंने इसको शॉर्ट SR और D लिख लिया। इसका नया हिस्सा है 15/32, उसके बाद इसका हिस्सा है रमेश का 9/32, उसके बाद दीपक का हिस्सा 1/4। तो अब हम इसका LCM ले लेंगे, 32 मैंने LCM ले लिया, तो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ गई, 15:9:8, यानी दीपक के आने के बाद उनके तीनों के बीच में जो रेशो है 15:9:8, ये आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों की।
अब उसके बाद हमारे पास करण जो है एडमिट हुआ है फर्म में, करण का शेयर कितना है 1/6। अब जब करण एडमिट होगा तो उस टाइम हमारे पास फर्म में कितने पार्टनर्स होंगे, 3, सुरेश, रमेश एंड दीपक। तो जो उनके बीच में न्यू शेयर थी वो करण के टाइम में क्या बन जाएगी, ओल्ड रेशो। तो अब ओल्ड रेशो सुरेश, रमेश और दीपक की कितनी है, 15:9:8। करण का शेयर कितना है 1/6। तो उसके बाद अब ये अपना हिस्सा तीनों से बराबर बराबर लेगा, तो 3% है यहाँ पर, तो 1/6 का कितना करेंगे हम, 1/3, क्योंकि तीनों से वो क्या ले रहा है, 1:1:1 में, तो 1/3, 1/3, 1/3। करण अपना हिस्सा जो सुरेश से लेगा वो कितना है, करण शेयर एक्वायर फ्रॉम सुरेश 1/6 का 1/3 कितना हो गया, 1/18। फिर वो करण अपना हिस्सा उसके बाद किससे लेगा, रमेश से लेगा 1/6 का 1/3 यानी 1/18। उसके बाद करण अपना हिस्सा किससे लेगा, दीपक से लेगा, तो 1/6 का 1/3 यानी 1/18। तो अब ये तीनों को जोड़ेंगे तब भी हमारे पास कितना बनेगा, 1/6, क्योंकि जो करण है वो अपना हिस्सा जितना सुरेश से लेगा, रमेश से लेगा और जितना दीपक से लेगा उसको जोड़ेंगे तो वही बन जाएगा। अब न्यू शेयर निकालते हैं आफ्टर करण एडमिशन, करण के आने के बाद अब सुरेश का हिस्सा कितना रह गया, सुरेश शेयर आफ्टर करण एडमिशन, उसका हिस्सा कितना था पहले, 15/32। 15/32 में से उसने कितना दे दिया, 1/18, तो उसके पास कितना बचा, इसका एलसीएम ले लिया हमने तो ये आ गया 135-16, 119/288। उसके बाद जो रमेश है, रमेश का हिस्सा निकाल लेंगे आफ्टर करंट एडमिशन, उसका हिस्सा कितना था उसके आने से पहले, 9/32, उसने कितना दे दिया, 1/18। तो अब एलसीएम आ गया हमारे पास 288। जब एलसीएम लेंगे तो 32 9 2 288, तो 9 9 कितने हो गए, 81। तो 18 को करेंगे इससे डिवाइड तो ये आ जाएगा 16, तो ये आ गया हमारे पास 65/288। सेम इसी तरह से हम किसका निकाल लेंगे, दीपक का, दीपक का हिस्सा कितना था, 8/32, माइनस उसने कितना दे दिया, 1/18, 288 एलसीएम आ गया, 32 9 288 9 8 72 माइनस 16, तो ये कितना आ गया, 56/288। अब तीनों के हिस्से निकल गए, करण के एडमिशन के बाद सुरेश का, रमेश का और दीपक का, तो 119/288, उसके बाद 65/288, उसके बाद 56/288, उसके बाद जो करण आया उसका शेयर कितना है, 1/6, तो हमने फिर दोबारा से एलसीएम ले लिया 119:65:56, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48, 119:65:58, ये आगे चारों के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सुरेश, रमेश, दीपक और करण के बीच में। देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सिर्फ क्या था, दो क्वेश्चन एक साथ थे। जब पहला पार्टनर एडमिट हुआ तो हमने वैसे पहला क्वेश्चन कर दिया जैसे हम करते हैं, उसके बाद जब नया पार्टनर करण आया तो जो पुराने पार्टनर से तीन हमारे पास सुरेश, रमेश, दीपक, उनके बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो करण के एडमिशन के टाइम क्या बन गई, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और फिर हमने वैसे का वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।